एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज़ सिमी सिंह। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से एग्जाम्स की प्रिपरेशन चल रही होगी। सो आज हम कल वाला जो टॉपिक था दैट इज़ स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे कल के वीडियो में, जिसमें हमने देखा था कि जो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम है वो 206 बोन्स से मिलकर बना हुआ होता है और दो पार्ट्स में जो है डिवाइडेड होता है, एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो जो एक्सियल स्केलेटन है, जिसमें हमारा स्कल आ जाता है, वर्टिब्रल कॉलम आ जाता है, रिब्स आ जाते हैं, स्टर्नम आ जाता है, ये सारे के सारा मिलके एक्सियल स्केलेटन को बना रहा था। और कैसे कैसे बोन्स का डिस्ट्रीब्यूशन था, 80 बोन्स जो हैं एक्सियल स्केलेटन में प्रेजेंट होती हैं, तो उन 80 बोन्स का कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है, वो सारी की सारी चीज़ हम डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं कल के वीडियो में। अगर यदि वो वीडियो नहीं देखा है तो मेक श्योर कि वो वीडियो ज़रूर देखें, बिकॉज जो कल का वीडियो था वो एक बेस से लेके थोड़ा एडवांस लेवल की तरफ हम मूव करते हुए चल रहे हैं, अगर यदि स्केलेटल सिस्टम जो है वो अच्छे से समझना है तो। उसके बाद जो सेकंड पार्ट था स्केलेटल सिस्टम का, दैट इज़ अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब आज के वीडियो में हम अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम जो है उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि 80 बोन्स का डिस्ट्रीब्यूशन तो हमने कल के वीडियो में डिस्कस कर लिया, लेकिन 206 में से जो बची हुई बोन्स हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, ये सारी की सारी चीज़ जो है वो हम आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो के एंड तक ज़रूर बनी रहेगा, जिससे कि सारी बोन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम जो है उसका कैसे ऑर्गेनाइजेशन है, वो बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है और साथ ही साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है अपने आप में ही। सो अपेंडिकुलर स्केलेटन की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे जो लिम्स हैं, दैट इज़ 4 लिम्स, मतलब कि हमारे दोनों हाथ की शोल्डर से लेके हमारी जो उंगलियों तक में जितनी भी बोन्स हैं उसको बोलते हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखना है। साथ ही साथ जो हमारे हाइंड लिम्ब हैं, दैट मीन्स कि जो हमारे थाइस से लेके हमारे पैर की उंगलियों तक में कितनी बोन्स हैं, कहाँ कहाँ पर कितनी बोन्स प्रेजेंट हैं, इनका किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसको हम हाइंड लिम्ब्स के नाम से जानते हैं, तो इन बोन्स के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम जो है उसके अंदर में। सो अपेंडिकुलर स्केलेटन जो है वो किससे मिलकर बना होता है, जो हमारी लिम्ब्स की बोन होती है, दैट मीन्स कि 4 लिम्ब्स एंड हाइंड लिम्ब्स जो बोन है वो, साथ ही साथ कुछ ग्रिडल्स होते हैं इनके। ग्रिडल्स एक ऐसा रीजन है, एक ऐसा पार्ट है जो कि बोन्स को एक्सियल स्केलेटन के साथ कनेक्ट करने का या फिर जोड़ने का इन काम करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो अपेंडिकुलर स्केलेटन जो है वो बना हुआ होता है बोन्स ऑफ द लिम्ब्स, जिसमें 4 लिम्ब्स आ जाते हैं, मतलब कि हाथ की हड्डियां आ जाती हैं, और हाइंड लिम्ब्स मतलब कि पैर वाली जो जितनी भी थाइस से लेके पैर की उंगलियों तक की जो हड्डियां हैं वो आ जाते हैं। ये जो हैं वो किसके साथ, ग्रिडल्स के साथ में प्रेजेंट होती हैं, अटैच होती हैं, ग्रिडल एक्सियल स्केलेटन से इनको अटैच कराने का काम करता है, तो इस पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन को हम अपेंडिकुलर स्केलेटन के नाम से जानते हैं। सो आई होप कि अपेंडिकुलर स्केलेटन जो है उसका टर्म एक्चुअल में क्या होता है, किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, कौन सा बॉडी का रीज़न है, कौन से बोन्स हैं जिनके बारे में हम अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर पढ़ते हैं, सो ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद कहा गया है कि ईच लिम्ब is made up of 30 bones. अब मतलब कि एक साइड की जो लिम्ब है हमारा, शोल्डर से लेके हमारी उंगलियों तक की बात की जाए या फिर हमारे थाइस से लेके पैर की उंगली तक की बात की जाए, तो जो हमारा एक शोल्डर से उंगली तक की जो रीज़न है, लिम्ब जो है, उसमें 30 बोन्स प्रेजेंट होंगी। सिमिलर बोन्स जो हैं हमारे दूसरे हैंड की जो पूरा रीज़न है, लिम्ब है, उसमें 30, तो दैट इज़ टोटल 60 बोन्स प्रेजेंट होंगी हमारे जो 4 लिम्ब हैं उनमें। उसी तरीके से थाइस से लेके हमारे जो पैर की उंगली है वहाँ तक कितनी बोन्स प्रेजेंट है, एक थाई से एक पैर की उंगली तक में 30 बोन्स प्रेजेंट होंगे, सिमिलर दूसरे वाले में भी प्रेजेंट होंगे। तो इस तरीके से जो हमारा हाइंड लिम्ब है
है वहाँ पर भी टोटल 60 बोन्स प्रेजेंट होंगी दोनों लिम्स को मिलाकर। तो 60 बोन्स उसकी, 60 बोन्स इसकी, ये हो जाता है हमारा 120 बोन्स। ठीक है, अब इन 120 बोन्स का किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है ये चीज़ हम डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। सो सबसे पहले हम अपने फोर लिम्स की बात करते हैं, दैट मीन्स कि जो हमारे हाथ की हड्डियों का डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में। सो द बोन्स ऑफ हैंड, जिसको हम फोर लिम्स बोलते हैं, उसमें आ जाता है ह्यूमरस आ जाता है, रेडियस आ जाता है, अल्ना आ जाता है, उसके बाद आता है कार्पल्स। कार्पल्स वो रीज़न होता है जिसको हम रिस्ट बोन, दैट मीन्स कि जहाँ पर हम अपनी घड़ी बांधते हैं उस वाले रीज़न को हम कार्पल्स बोलते हैं, रिस्ट बोन्स बोलते हैं। जहाँ पर हम अपनी घड़ी बांधते हैं वहाँ पर 8 हड्डियाँ प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ेंगे अपने हाथ वाली रीज़न पर, जिसको हम मेटा कार्पल्स बोलते हैं, पाम वाला, मतलब कि हमारी हथेली वाला जो रीज़न होता है वहाँ पर 5 हड्डियाँ प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद फेलेंजेस, फेलेंजेस जो डिजिट होती हैं वो कितनी होती हैं, 14 होती हैं। फेलेंजेस कहने का मतलब ये हो गया कि जो हमारी चार उंगलियां हैं और जो हमारा अंगूठा है इसमें जो डिजिट्स हैं, इसमें जो बोन्स प्रेजेंट हैं वो कितनी होती हैं, नंबर में 14 होती हैं। सो इस तरीके से अगर यदि हम ह्यूमरस से स्टार्ट करें तो और डिजिट्स तक पर पहुँचे तो टोटल कितनी हो जाती हैं, एक हो गई ह्यूमरस प्लस एक हो गई रेडियस, एक हो गया अल्ना। ओके, उसके बाद रिस्ट बोन हो गई कितनी, 8। उसके बाद पाम वाला जो रीज़न है, हथेली वाला रीज़न है, वहाँ पर हैं 5 हड्डियाँ। उसके बाद जो डिजिट्स हैं वो कितनी है, 14 है, 14 हड्डियाँ हैं। अगर यदि इन सब को हम टोटल करते हैं तो हमारे पास 14 तो ये हो गई, और 19, 20, 20, 8 और 2, 10, 20 और 10, 30। सो इस तरीके से टोटल एक लिम्ब में कितनी हो गई, 30 बोन्स जो हैं वो हो गई। और सेम जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है बोन्स का वो दूसरे लिम्ब में, मतलब दूसरा हाथ जो है हमारा उसमें होता है। तो 30 प्लस 30 60 बोन्स हो गई। अब ये जो फोर लिम्ब की बात की जा रही है कि ह्यूमरस है, रेडियस है, अल्ना है, कार्पल्स, मेटा कार्पल्स, फेलेंजेस जो हैं, ये देखते हैं हम स्ट्रक्चर के बेसिस पर। सो ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है इसमें हम जूम करके देखते हैं कि जो फर्स्ट बोन है फोर लिम्ब की, जिसको हम बोल रहे थे क्या, ह्यूमरस। सो ये देख सकते हैं कि जो हमारे एल्बो से ऊपर का और शोल्डर तक पर जो बोन होता है उसको हम ह्यूमरस के नाम से जानते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या है, फर्स्ट बोन है ह्यूमरस की। उसके बाद जो हमारा एल्बो वाला जॉइंट है उसको छोड़ दें तो जो एल्बो से और जो हमारा रिस्ट तक वाला जो रीज़न है उस वाले रीज़न में दो बोन्स देखी, एक थी रेडियस और एक थी अल्ना। उसके बाद आ जाता है हमारा रिस्ट वाला रीज़न जिसमें थी 8 बोन्स, जिसको हम बोल रहे थे कार्पल्स के नाम से जान रहे थे। जैसा कि इसमें हम देख सकते हैं कि जहाँ पर हम अपना घड़ी पहनते हैं, वॉच जो पहनते हैं, ये जो रीज़न होता है इसमें, जिसको हम कार्पल्स रिस्ट बोन के नाम से जानते हैं, इसमें कितनी होती हैं, टोटल 8 हड्डियाँ होती हैं। उसके बाद ये जो पाम वाला रीज़न होता है, ये जो हथेली वाला रीज़न होता है, 4 तो उंगली की हो गई, 1 अंगूठे वाली हो गई, ये कितनी होती हैं, ये होती हैं टोटल 5। फेलेंजेस जो डिजिट्स होती हैं, दैट मीन्स कि ये जो हमारी उंगलियाँ हैं इस तरीके से, इसमें कितनी होती हैं, टोटल 14 बोन्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। सो इस तरीके से जो टोटल 30 बोन का डिस्ट्रीब्यूशन है एक लिम्ब में वो हो जाता है कंप्लीट यहाँ पर। आई होप कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है बोन्स का वो अच्छे से समझ में आया होगा। ये एक हाथ की बोन्स को रिप्रेजेंट किया गया है, सेम पैटर्न, सेम डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो दूसरे हाथ में भी देखने को मिलता है। सो इससे हम कनेक्ट कर सकते हैं कि दूसरे हाथ में भी इस तरीके से प्रेजेंट होंगी। सो अगर यदि ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, कंटेंट हेल्पफुल रहता है, तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि उन लोगों तक भी ये अच्छी इन्फॉर्मेशन डिलीवर हो पाए। उसके बाद जो बोन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो हमारे हाइंड लिम्स होते हैं, दैट मीन्स कि जो हमारे
थाई से लेकर पैर की जो उंगली है वहाँ तक जो बोन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे होता है। तो जो बोन्स होती हैं, सो बोन्स ऑफ द लैग जिसको हम हाइंड लिम्ब बोलते हैं आर फीमर। फीमर जो है वो हमारे थाई वाली बोन होती है जो कि लॉन्गेस्ट बोन होती है। कल के वीडियो में भी मैंने ये बताया था जब हम कल के वीडियो में पढ़ रहे थे कि स्टेपीज जो है वो हमारे कान में प्रेजेंट होती है बोन, जो कि ह्यूमन बॉडी की स्मॉलेस्ट बोन जो है वो होती है स्टेपीज। साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि अगर यदि हमसे पूछा जाता है कि लॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है ह्यूमन बॉडी में, तो वो होती है हमारा फीमर जो कि थाई बोन होती है। सो इस तरीके से एक हो गया फीमर जो हमारी थाई वाली बोन है, उसके बाद आ जाता है टिबिया, फेब्यूला, उसके बाद आ जाता है टार्सल्स, एंकल बोन जिसमें 7 आती हैं, मेटाटार्सल्स जो कि 5 होती हैं, साथ ही साथ फेलेंजेस जो कि 14 इन नंबर होती हैं, डिजिट कुछ भी बोल लें, बोन 14 हड्डियाँ होती है। अब इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, किस तरीके से कहाँ पर कितनी बोन प्रेजेंट है, ये चीज़ हम देखते हैं स्ट्रक्चर के बेसिस पे। सो यहाँ पर सबसे पहले हमने देखा कि जो एक सबसे लॉन्गेस्ट बोन है ह्यूमन बॉडी की जिसको हम फीमर के नाम से जानते हैं, ये हो गया हमारा थाई वाला बोन, एक बोन ये हो गई। उसके बाद नी जो होता है हमारा उसके बिलो में ये क्या होती है, एक टिबिया होती है, एक फेब्यूला होता है। जिस तरीके से रिस्ट वाला रीजन था हमारा जहाँ पर 8 बोन्स प्रेजेंट थी, उसी तरीके से जो हमारा एंकल वाला पार्ट होता है पैर में जिसको हम टार्सल्स बोलते हैं, इसमें कितनी होती हैं, 7 बोन्स होती हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा पैर का एंकल वाला एड़ी वाला जो रीज़न होता है जिसको हम टार्सल्स बोलते हैं, यहाँ पर कितनी होती हैं, 17 बोन्स होती हैं। उसके बाद जिस तरीके से हमारे हाथ में पाम वाला रीज़न था, तो पैर में उंगलियों से जस्ट ऊपर का और एंकल से जस्ट नीचे का जो रीज़न होता है इसको हम मेटा टार्सल्स बोलते हैं, जिसमें कितनी बोन्स होती हैं, 5 बोन्स होती हैं। और जो हमारे पैर की उंगलियाँ हैं और जो अंगूठा है जिसको हम फेलेंजेस के नाम से जानते हैं, ये सेम होता है 14 इन नंबर डिजिट्स। सो इस तरीके से क्या हो जाता है, एक हो गया हमारा फीमर, उसके बाद हो गया एक टिबिया हो गया, एक हो गया फेब्यूला, उसके बाद 7 नंबर हो गए टार्सल्स के, 5 नंबर हो गया मेटा टार्सल्स का, 14 नंबर हो गया डिजिट्स का। तो ये जब टोटल करते हैं तो ये होता है हमारा 29। लेकिन अब क्या आता है कि भाई हमने तो स्टार्टिंग में देखा था कि जो हर एक लिम्ब है वो 30 हड्डियों से मिलकर बना है, तो यहाँ पर तो 29 ही हड्डियाँ होती हैं। एक कौन सी बोन होती है, एक बोन होती है जिसको हम बोलते हैं पटेला, पटेला के नाम से जानते हैं, जो हमारा नी होता है। फील करके देख सकते हैं कि जो हमारा घुटना है वहाँ पर एक कटोरे जैसा कप शेप का एक स्ट्रक्चर, एक बोन जो है वो प्रेजेंट होता है जिसको हम पटेला बोलते हैं। सो एक बोन ये हो जाती है, सो इसको मिलाकर कितनी हो जाती है, हमारा 30 बोन्स हो जाती हैं, 30 एक साइड में, 30 दूसरे साइड में, तो टोटल हो जाता है 60। सो इस तरीके से 120 बोन्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है, 120 बोन्स तो हो गए हमारे लिम्स के, और 80 बोन्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हम ऑलरेडी कल के वीडियो में एक्सियल स्केलेटन में देख चुके हैं। सो अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वाला वीडियो ज़रूर देखें। तो ये सब टोटल करने पे हो जाता है 200। अब बचता है हमारा 6 बोन्स जो हैं उसके बारे में और देखना, तो वो भी हम देखने वाले हैं कि कहाँ पर ये 6 बोन और जो हैं वो बची कुची 6 बोन जो हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब क्या होता है, पेक्टोरल एंड पेल्विक ग्रिडल बोन्स हेल्प इन द आर्टिकुलेशन ऑफ द अपर एंड द लोअर लिम्ब रिस्पेक्टिवली विद द एक्सियल स्केलेटन। नाउ ये जो पर्टिकुलर पॉइंट दिया हुआ है कि पेक्टोरल ग्रिडल, पेल्विक ग्रिडल, पेक्टोरल ग्रिडल वो रीज़न होता है जो हमारे अपर वाले पार्ट में प्रेजेंट होता है। कहने का मतलब ये हो गया कि पेक्टोरल ग्रिडल बोन जो है वो अपर लिम्ब, दैट मीन्स कि 4 लिम्ब्स को एक्सियल स्केलेटल से जोड़ने का काम करता है, और पेल्विक ग्रिडल जो है वो क्या करता है, लोअर लिम्ब, दैट मीन्स कि हाइंड लिम्ब जो है उसको एक्सियल स्केलेटन से जोड़ने का काम करता है। सो सिंपल से टर्म्स में हम ये चीज़ देख लेते हैं
कि पैक्टोरल गर्डल जो है वो क्या करता है, यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख लेती हूँ कि पैक्टोरल गर्डल, ठीक है, ये क्या है, पैक्टोरल गर्डल बोन जो है वो है जो अपर पार्ट, दैट मीन्स कि हमारे जो फोर लिम है किसके साथ, एक्सियल स्केलेटन के साथ जोड़ने का काम करता है। साथ ही साथ जो पैल्विक ग्रिडल है ये क्या करता है, हाइंड लिम्स को एक्सियल स्केलेटन के साथ जोड़ने का, अटैच करने का, आर्टिकुलेट मीन्स अटैच करने का काम करता है। ईच ग्रिडल इज़ फॉर्म्ड ऑफ टू हेल्व्स, जो एक ग्रिडल होता है दैट मीन्स कि यहाँ पर हमसे कहा गया है कि एक राइट साइड में प्रेजेंट होगा, एक लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होगा, तो प्रत्येक ग्रिडल जो है वो दो हेल्व से मिलकर बना होता है। ईच हाफ ऑफ पैक्टोरल ग्रिडल कंसिस्ट ऑफ क्लेविकल एंड स्कैप्यूला। अब कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे हमने समझ लिया कि जो पैक्टोरल ग्रिडल है वो हमारे फोर लिम्स को एक्सियल स्केलेटन से जोड़ने का काम कर रहा है, तो पैक्टोरल ग्रिडल जो है वो उसमें क्लेविकल और स्कैपुला नाम के दो बोन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, मिलकर बना हुआ होता है। जैसा कि इस स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं कि जो पैक्टोरल ग्रिडल है वो स्कैपुला और क्लेविकल दो बोन्स से, दो पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है। इसमें यही बताया गया है कि जो स्कैपुला होता है वो क्या होता है, लार्ज होता है, ट्राइंगुलर, ट्राइंगुलर ये देख सकते हैं कि इस तरीके से ट्राइंगुलर शेप का फ्लैट बोन होता है, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट होता है, जो थोरेक्स होता है उसके बैक वाले पार्ट में, सेकंड और सेवेंथ रिब्स के बीच में ये प्रेजेंट होता है। थोड़ा सा अगर यदि हम इमेजिनरी व्यू पे जाएं कि जो हमारा शोल्डर है, ठीक है, तो शोल्डर पे हम अपना हाथ रख के देखते हैं, तो हाथ रखने पर हमें एक बहुत ही बड़ी सी फ्लैट सी इसी तरीके की ट्राइंगुलर बोन जो है वो फील होती है हमारे कंधे पर, कमर की साइड में, जिसको हम स्कैपुला के नाम से जानते हैं। ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है, जो हमारा थोरेक्स का पीछे वाला रीजन है, थोरेसिक चैम्बर जो है उसका बैक पार्ट जो है वहाँ पर, सेकंड और सेवेंथ रिब्स जो है उसके बीच में ये प्रेजेंट होती है बोन स्कैपुला। सो आई होप कि पैक्टोरल ग्रिडल जो है उसका कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थोड़ा सा हम देख लेते हैं बहुत ही क्विक बेसिस पे कि पैक्टोरल ग्रिडल जो है वो क्या करता है, हमारे फोर लिम्स को एक्सियल स्केलेटन से जोड़ने का काम करता है। अब पैक्टोरल ग्रिडल जो है उसमें क्लेविकल और स्कैपुला, बोला नहीं जा रहा भैया, जो पैक्टोरल ग्रिडल है उसमें क्लेविकल और स्कैपुला नाम के दो बोन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। उसमें से भी स्कैपुला जो है वो लार्ज ट्राइंगुलर फ्लैट बोन होती है, जो कि डोर्सल बैक वाला पार्ट जो है थोरेक्स का, वहाँ पर सेकंड और सेवेंथ रिब्स के बीच में प्रेजेंट होती है। सो ये जो पॉइंट है ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज मे बी इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो स्कैपुला है इसका शेप और ये सब नहीं पूछा जाएगा, इसकी प्रेजेंस क्या है, इसकी लोकेशन क्या है, वो है डोर्सल पार्ट ऑफ दी थोरेक्स बिटवीन दी सेकंड एंड सेवेंथ रिब्स, सेकंड और सेवेंथ रिब्स के बीच में प्रेजेंट होता है ये पॉइंट जो है, ये इतना रीज़न जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सो इसके साथ में हमारा स्कैपुला का जो है कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कंप्लीट होता है। नाउ द डोर्सल फ्लैट ट्राइंगुलर बॉडी ऑफ स्कैपुला हैज़ अ स्लाइटली एलिवेटेड रिज कॉल्ड द स्पाइन विच प्रोजेक्ट्स एज द फ्लैट एक्सपेंडेड प्रोसेस कॉल्ड द एक्रोमियन। इस पर्टिकुलर पॉइंट में कहने का मतलब ये हो गया कि जो डोर्सल फ्लैट ट्राइंगुलर बॉडी है स्कैपुला की, वो थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली हुई होती है, जिसे हम स्पाइन के नाम से जानते हैं, जो कि एक्रोमियन के रूप में आगे की तरफ एक्सपेंडेड होती है। दी क्लेविकल आर्टिकुलेट्स विद दिस, और ये जो एक्रोमियन के रूप में बाहर की तरफ निकली हुई होती है स्कैपुला की बॉडी, उसके साथ में क्लेविकल जो है वो जॉइंट होता है। जैसा कि हम देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर में कि ये क्या है, एक मिनट, ये स्कैपुला जो है वो हमारा ट्राइंगुलर शेप का इस तरीके से हो गया, ठीक है, स्पाइन के बोल रहे हैं, और ये इस तरीके से प्रेजेंट है। ये जो पर्टिकुलर रीज़न है इसको हम एक्रोमियन के नाम से जान रहे हैं। ये जो एक्रोमियन वाला रीज़न है, यहीं से क्या है, ये हमारी जो कॉलर बोन है क्लेविकल जो है, ये क्या है, इसके साथ आर्टिकुलेट होती है, दैट मीन्स कि
क्लेविकल जो है वो एक्रोमियन वाला जो प्रोसेस है उसके साथ अटैच होती है, यही बात की गई है इस पर्टिकुलर पॉइंट में। सो आई होप कि ये सारा का सारा जो डिस्कशन है वो अच्छे से समझ में आया होगा। बिलो दी एक्रोमियन इज अ डिप्रेशन कॉल्ड दी ग्लिनॉइड कैविटी। अब कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो एक्रोमियन वाला पार्ट है इसके नीचे में क्या है, एक डिप्रेशन, एक खांचा सा होता है, गड्ढा सा होता है, जिसको हम ग्लिनॉइड कैविटी के नाम से जानते हैं, विच आर्टिकुलेट्स विद द हेड ऑफ द ह्यूमरस। ये जो ग्लिनॉइड कैविटी होती है, एक खांचा सा जो प्रेजेंट है एक्रोमियन के नीचे में, इसके साथ में जो ह्यूमरस बोन है इसका हेड वाला पार्ट जो है वो जॉइंट होता है, आर्टिकुलेट मींस जॉइंट होता है, और जो हमारे शोल्डर का जॉइंट है उसको बनाता है। सो आई होप कि ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी नहीं आता है तो वीडियो को रिपीट मोड पे देखें, अगर उसके बाद भी नहीं आता है तो कमेंट सेशन में कमेंट करें, जिससे कि मैं उस कन्फ्यूज़न को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगी। उसके बाद आता है ईच क्लेविकल इज अ लॉन्ग स्लेंडर बोन विद टू कर्वेचर। अब ये जो क्लेविकल है ये क्या है, ये एक लॉन्ग स्लेंडर बोन है जिसमें दो कर्वेचर्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं, और इस बोन को हम कॉमनली कॉलर बोन के नाम से भी जानते हैं। सो ये टर्म जो है वो क्या है, वो हो जाता है इम्पॉर्टेंट कि कॉलर बोन जो है वो कौन सी बोन होती है, स्कैपुला या फिर क्लेविकल। सो क्लेविकल जो है वो कौन, उसको हम कॉलर बोन के नाम से भी जानते हैं। ये था हमारा पेक्टोरल ग्रिडल के बारे में सारा का सारा डिटेल डिस्कशन। उसके बाद अब जो आता है पेल्विक ग्रिडल, पेल्विक ग्रिडल जो है उसके बारे में देखते हैं। सो पेल्विक ग्रिडल जो है वो क्या करता है, कंसिस्ट करता है दो कॉक्सल बोन्स, इसमें दो कॉक्सल बोन्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। अब ये जो कॉक्सल बोन है वो तीन डिफरेंट बोन्स के फ्यूज़न से बना हुआ होता है। सो अगेन ये वाला पॉइंट जो है फिर से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो पेल्विक ग्रिडल है उसमें दो कॉक्सल बोन पाई जाती हैं, लेकिन कॉक्सल बोन जो है वो कौन से तीन बोन्स के फ्यूज़न से बनता है, तो उसमें आता है इलियम, इशियम एंड प्यूबिस, जैसा कि हम इस स्ट्रक्चर को जूम करने पर देख सकते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये कॉक्सल बोन जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये कॉक्सल बोन जो है वो तीन डिफरेंट बोन्स के फ्यूज़न से मिलकर बना होता है, जिसमें फर्स्ट बोन होती है इलियम, उसके बाद इशियम और प्यूबिस। इन तीन बोन्स के फ्यूज़न से क्या बनता है, कॉक्सल बोन जो है उसका फॉर्मेशन होता है। सो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ में आया होगा। एट द पॉइंट ऑफ फ्यूज़न ऑफ द अबव बोन्स, अब ये जो बोन्स का फ्यूज़न है उस पॉइंट पर बात की गई है, इज़ अ कैविटी, यहाँ पर एक कैविटी होती है। इन तीनों बोन का जो फ्यूज़न है, ये पर्टिकुलर रीज़न जो है, यहाँ पर एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको हम एसिटाबुलम के नाम से जानते हैं, इस कैविटी को, टू विच द थाई बोन आर्टिकुलेट्स। ये जो एसिटाबुलम है, कैविटी जो है, यहाँ से थाई बोन जो फीमर है वो क्या होती है, जॉइंट होती है। सो इस तरीके से पेल्विक ग्रिडल जो है उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमारा हो जाता है कंप्लीट। सो आई होप कि ये सारा का सारा जो अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम है उसके बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहती है, तो प्लीज़ कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट करें। अब जैसा कि मैंने वीडियो के बीच में बताया था कि 120 बोन्स का हम डिस्ट्रीब्यूशन देख चुके हैं हमारे जो लिम्स हैं उनमें, ठीक है, 120 बोन्स ये हो गए। 80 बोन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कल के वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुके थे, इसको टोटल करने पर 200 हो जाता है। लेकिन वो 6 बोन्स जो हैं वो कौन से बोन्स और होते हैं, तो उसके लिए मेरे पास एक आगे स्लाइड है जिसमें सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बताया गया है, तो इसको हम देख लेते हैं। क्या कहते हैं, सारा का सारा बोन का डिस्ट्रीब्यूशन देखने से पहले ये एक छोटा सा पॉइंट जो है वो भी हमारा रह गया था कि टू हेल्व्स ऑफ द पेल्विक ग्रिडल, दैट मीन्स कि दो पार्ट जो हैं पेल्विक ग्रिडल के वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं वेंट्रली आगे की साइड से, टू फॉर्म द प्यूबिक सिम्फेसिस कंटेनिंग फाइबरस कार्टिलेज। जो हमारा आगे का पोर्शन होता है, दैट मीन्स कि जो हमारा थाइस से जस्ट
ऊपर वाला पार्ट एंड एब्डोमेन के जस्ट बिलो वाला पार्ट, जिसको हम अपना यूरिनरी ब्लैडर और इस तरीके से पूरा का पूरा बोलते हैं, जिसको हम प्यूबिक सिम्फेसिस के नाम से जानते हैं। तो जब दो पैल्विक ग्रिडल एक दूसरे के साथ वेंट्रली आगे वाले पार्ट में जुड़ते हैं, ठीक है, तो उसको हम प्यूबिक सिम्फेसिस के नाम से जानते हैं, और इसमें बहुत सारे फाइब्रस कार्टिलेज जो हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। सो ये है प्यूबिक सिम्फेसिस का स्ट्रक्चर। सी के साथ में ये पूरा का पूरा अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम जो है वो हो जाता है कंप्लीट। अब हम देख लेते हैं बोन्स का भी डिस्ट्रीब्यूशन। सो यहाँ पर हमारे पास है कि जो हमारे फोर लिम्स थे उसमें हमने बोन्स देखे, क्लेविकल के बारे में देख लिया, तो एक एक देख चुके हैं हम। तो दोनों हाथों में अगर दोनों फोर लिम्स की बात की जाए तो एक राइट साइड में क्लेविकल होगा, एक लेफ्ट साइड का क्लेविकल, तो इस तरीके से दो क्लेविकल हो गए। उसी तरीके से दो क्या हो गए, स्कैपुला हो गए। ह्यूमरस जो है एक एक प्रेजेंट होता है, सो दो ह्यूमरस हो गए, दो रेडियस हो गए, दो अल्ना हो गए। कार्पल्स जो हैं एक फोर लिम में 8 प्रेजेंट थे, तो 2 × 16 हो गया। मेटा कार्पल्स 5 थे तो उसका 10 हो गया। फेलेंजेस जो डिजिट्स थी वो 14 इन नंबर थी, तो उसका 2 × 28 हो गया। सब टोटल करने पर ये हो जाती हैं हमारा 64। उसी तरीके से अगर यदि हम अपने हाइंड लिम जो बोन्स हैं उसकी बात करें, तो कॉक्सल बोन जो है वो हो गए 2, फीमर 2, टिबिया 2, फेबुला 2, उसके बाद टार्सल्स 14, मेटाटार्सल्स 10, फ्लेंजेस 28, एंड जो हमारे घुटने के ऊपर कप शेप का कटोरे जैसी बोन जो है प्रेजेंट होती है, जिसको पैटेला बोलते हैं, तो दोनों घुटनों की मिलाकर हो गई 2। सब टोटल करने पर ये हो जाता है हमारा 62 बोन्स हाइंड लिम्स में, 64 बोन्स फोर लिम्स में हो गई। जब हम 64 और 62 को टोटल करते हैं तो ये हो जाता है हमारा 126 बोन्स। सो 126 बोन्स किस वाले स्केलेटन में प्रेजेंट होती हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम जो है वहाँ पर। और 80 बोन्स जो हैं वो हमने कल के वीडियो में देखी हैं एक्सियल स्केलेटन में। जब हम एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन जो है उसकी बोन्स को सब टोटल करते हैं तो ये हो जाता है हमारा 206, जैसा कि हमने वीडियो कल के वीडियो के स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि जो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम है उसमें 206 हड्डियां जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि एक ह्यूमन बॉडी जो है उसमें 206 हड्डियां पाई जाती हैं। सो इस तरीके से 206 हड्डियों का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन हमने कर लिया है कंप्लीट। इसी के साथ में ऑलमोस्ट चैप्टर भी जो है हमारा हो जाता है कंप्लीट। एक छोटा सा टॉपिक बचा है जिसमें हम जॉइंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो वो वीडियो जो है जॉइंट्स के रिगार्डिंग अपकमिंग वीडियो रहेगा, जिसके साथ चैप्टर भी हो जाएगा हमारा कंप्लीट। सो अगर यदि कंटेंट हेल्पफुल रहता है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और अगर यदि कोई क्वेरी भी रहती है तो उसके लिए प्लीज़ सेशन में ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।